मांग पूरी हुई कि नहीं, सभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं, सुनने में यही आ रहा है। और अभी कोई कौन सी कार्रवाई क्या हुई अभी हमको नॉलेज नहीं है। की जो बात थी, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ पे, जैसे हमारा परिवार उजड़ा है उनका परिवार उजड़ना चाहिए। हमको तो इंसाफ चाहिए बस। मुआवजा वगैरह देने की बात कही, उससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट की ये कोई बात नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं इंसाफ में? बस जैसा हमारा परिवार उजड़ा वैसे उनका भी परिवार उजड़ना चाहिए। कल से अब तक की, आज तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, सरकार प्रशासन की तरफ से, उसे कुछ लग रहा है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तमाम लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक दलों से भी लोग आ रहे हैं। प्रियंका जी भी आई थी, संजय सिंह जी भी आए थे, अभी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था, बसपा के भी लोग आए हैं। क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का आश्वासन लोग दे रहे हैं, क्या हो रहा है? सब तो बोल रहे हैं कि हाँ इंसाफ मिलेगा आपको, बस उसी इंसाफ को वेट करना है हमें, क्या इंसाफ मिलता है। दिलासा सब यही दिला रहे हैं। भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? अब है भी नहीं भी क्या कह सकते, जब हमको इंसाफ मिल जाएगा तब हमें भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमें इंसाफ मिल गया है। प्रियंका जी ने भी कुछ आश्वासन दिया होगा? जी जी जी। क्या कहा? वो भी बुलाएं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे आपको। नाम बता दीजिए। राधा देवी।